गठबंधन कांशीराम जी और मुलायम सिंह जी के समय पर हुआ था वो सबसे मजबूत था। उस गठबंधन का जो हाल हुआ था वो इतिहास में दर्ज है, और इसलिए मैं चिंतित हूँ कि मायावती जी का किसी भी दिन मुझे फोन आ जाएगा, क्योंकि ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी तो अब है नहीं। जब रेस्ट हाउस का कांड हुआ था तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने अपनी जान पे खेल करके मायावती जी की जान बचाई थी, और मायावती जी ने कहा तो स्वयं यहाँ तक कहना था कि उनकी जान ही नहीं उनकी इज्जत भी खतरे में थी, तो वो सब बचाने का जो काम किया था वो ब्रह्मदत्त। लेकिन मेरी बात मत काटिएगा, ये मैं नहीं कह रही कि उनकी इज्जत खतरे में थी, हमें तो ये कहा गया था उनकी जान खतरे में थी, लेकिन मायावती जी का स्टेटमेंट आप लोग को याद होगा यही था। तो जो उनकी जान और इज्जत पे हमला बोले थे आज उनके साथ वो हाथ मिलाए हुए हैं, तो आप समझ लीजिए कि हमसे कितना डर लग रहा है भ्रष्टाचारियों को और अपराधियों को, और वो कितने दिन चल पाएंगी। इसलिए मैं, झांसी मेरा घर है, आप मेरे घर के लोग हो, आप तो मेरा मोबाइल नंबर भिजवा दो उनके ऑफिस को कि जैसे ही उन पर संकट आवे तुरंत मुझे फोन करें तो मैं उनको बचाने के लिए आ जाऊंगी, क्योंकि वो किसी भी दिन आ जाना है संकट। मुझे तो लगता है वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर ही वो संकट आ जाना है, पहले ही आ जाना है।